हे गाइस, दिस इज आस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा ऑनलाइन। को बताने वाले हैं कि रायगढ़ में जो डिग्री कॉलेज है उसका सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है भराना, और आपको हम जानकारी दे देने। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि विश्वव्यापी महामारी नोवल कोरोना वायरस कोविड के संक्रमण से रोकथाम और नियंत्रण के कारण शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार विगत कक्षाओं के अंक में कुछ विभागों द्वारा प्राप्त अंकित अंक के आधार पर प्रमोटेड एवं परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए फॉर्म के वेबसाइट के अपना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के लिंक के माध्यम से 10 अगस्त 2020 से 20 अगस्त 2020 तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि कैसा कैसा है और आपको क्या क्या ध्यान देना है इस एग्जाम फॉर्म को भरने में और प्रमोटेड फॉर्म भरने में। आपको बता दूं मैं कि जो एमए का जो सेकंड सेमेस्टर था नियमित लोगों का, उसका प्रमोशन हो रहा है, और बीए, बीएससी, बीएकॉम एंड बीसीए द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर, इसका भी प्रमोशन होगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोग को जो फीस देना है वो सिर्फ 100 रुपीज का ही चलान काटना है। आप यहाँ पर दिया हुआ है 400 रुपए, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब फरवरी में एग्जाम फॉर्म भरे थे तो उसमें 400 रुपए लोग आप दे चुके हो, तो आपको 400 नहीं भरकर सिर्फ 100 रुपए का चलान करना है। तो चलिए आगे और भी बताते हैं आपको। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो रेगुलर वाले लोग रहेंगे वो लोग को सिर्फ 100 रुपए ही फीस पेमेंट करना है। और आप देख सकते हो जिसका एग्जाम होना है, जैसे एमए वाले हो गए और आप बीएससी जो 6 सेमेस्टर वाले लोग होंगे उसका सबका फीस दे दिया है। जैसे आपका बीए का जो 6 सेमेस्टर में है और उसका जो प्रैक्टिकल है उसका रेट देख सकते हो आप 650 रुपए। तो यहाँ आपको जिसका एग्जाम देना है उन लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किसको होगा? जो बीएससी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में है, या बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड में है, या बीसीए वालों को। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ 100 रुपए का ही पेमेंट करना है। तो चलिए और भी दिखाते हैं, और अब आपको फॉर्म भरना भी मैं सिखा देता हूँ। और समस्त जो पीजी में है और सेकंड सेमेस्टर जो नियमित रूप से है उन लोग को 500 रुपए का चलान भरना होगा। और चलान भरने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जैसे मेन साइट में जाओगे, ऑनलाइन एग्जाम में एग्जाम फॉर्म में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म शुल्क के भुगतान है, तो यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है और क्या क्या जानकारी चाहिए और क्या ध्यान में रखना है। तो जैसे आप फॉर्म को साइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ आगे आपका ऑप्शन। अब हमें भरना है कोई भी क्लास का, तो हम भर रहे हैं बीए का। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो भी क्लास में उसको आप चूज करना है। तो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हम अंडर ग्रेजुएशन बीए का ले रहे हैं, और यहाँ पर जिसका भी नाम है, आपका नाम या आपके पिता का नाम को 3 अक्षर आगे का लिखना है और सर्च करना है, तो आपका नाम शो करेगा, उसके बाद क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर एक गायत्री नाम का है, ये एग्जाम्पल है, कोई और नहीं है, गायत्री के है और गायत्री में अंतराम है, तो ये दोनों का मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यह फॉर्म सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए है। ये इस लड़की का फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, मैं इसका नंबर वगैरह को हिडन रखूंगा और इसका नाम को मैं सहारा ले रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये फॉर्म को कैसे भरना है। तो जैसे आ गया गायत्री लकड़ा, अंत नाम लकड़ा, ये आ गया, इसका डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब इसका लेकर मैं क्लिक कि इसका पूरा फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ड्यू नंबर, ड्यू नंबर जानते हो क्या होता है? जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पर लिख कर आया है, देखिए ये पेमेंट है डिग्री कॉलेज का, उसमें से यहाँ आया है DUD, ये आपका नंबर है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद ये फॉर्म में आपको डालना है ड्यू नंबर, जिस दिन डेट पटाया हो, उस दिन का परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपीज, और जिस दिन पटाया उसका डेट। उसके बाद बीए, फिर कौन सा सेमेस्टर वाले, तो सेकंड फर्स्ट जो भी है, एटीकेटी है कि रेगुलर है, रेगुलर है आपका। फिर रोल नंबर डालना है, रोल नंबर में जो भी आप डाल दीजिए, नामांकन आपका बीयू से या एयू से स्टार्ट होता है, जो भी डाल दीजिए उसको भी। एग्जाम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये, ठीक है।
यहाँ पर हैंडीकैप लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, फीमेल जाति, यहाँ पर मोबाइल नंबर एक ध्यान देना यहाँ भी कि आप मोबाइल नंबर अपना खुद का, फिर दूसरा मोबाइल नंबर चाहे घर का दे सकते हो लेकिन चालू वाला मोबाइल देना, आधार नंबर देना अपना, और मेल आईडी कंफर्म आपका ही होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपका कॉलेज आपके मेल में या आपके मोबाइल में मैसेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो जो सब्जेक्ट आपको रहेगा आपका सेमेस्टर में उसको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद इसमें लिखा है लास्ट परीक्षा, पिछले परीक्षा का विवरण, पिछला परीक्षा मतलब आप फोर्थ सेमेस्टर का विवरण देना है। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में जा रहे हो तो चाहे वो एटीकेटी रहे चाहे कुछ भी रहे तो उसको यहाँ देना है। तो अपन लिख दिए बीए में फोर्थ सेमेस्टर में है तो फोर्थ सेमेस्टर लिख दिए, जब पास हुए है तो 2019 में, कौन सी यूनिवर्सिटी है तो आपका लिख दो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी लिख देना। उसके बाद कॉलेज का नाम केजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज हो गया, रोल नंबर हो गया, रोल नंबर के बाद आपको विषय जो फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़े हो उस विषय को लेना है आपको। तो यहाँ से आप विषय ले लिए, सेकंड विषय, थर्ड विषय और फोर्थ जो लिए उसको, उसके बाद इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जो प्रिंट आउट मिलेगा उसमें फोटो आपका शो करेगा, उसके बाद और सबमिट होगा। इस फॉर्म को मैं आगे नहीं भर सकता हूँ क्योंकि इसमें जिसका फॉर्म है उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो दोबारा दिक्कत होगा, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा। दोस्तों मैं आपको ध्यान से सुनिए मेरी आवाज, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सबमिट जैसे करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में फोटो दिखेगा, राइट साइड में आपका साइन, आपका ही साइन और फोटो रहेगा वहां पर। उसको चाहे तो आप अपडेट कर सकते हो या उसी फॉर्म में डालकर आपको सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपका जो प्रिंट है वो निकल जाएगा और निकलने के बाद जो पेमेंट रसीद है वो, ये पेमेंट रसीद और फॉर्म का प्रिंट को लेकर आपको कॉलेज में जमा भी कर सकते हो या व्हाट्सएप के जरिए जो भी है उसको अभी दिशा निर्देश अभी नहीं दिया गया है, अगर देगा तो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। तो ये है आपका सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरने का तरीका। अगर कुछ भी इसमें डाउट है दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, या वर्मा ऑनलाइन बोल के आप नेट में सर्च मार सकते हो, वर्मा ऑनलाइन रायगढ़, तो मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।